विधायक राजेंद्र बिधोड़ी के ऑडियो वायरल मामले में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। एक और बीजेपी ने इस मामले पर खुद मोर्चा संभाला और कहा कि ऐसी घटनाएं बर्दाश्त करने लायक नहीं है, तो वहीं धारीवाल ने कहा कि एक ऑडियो के आधार पर इसकी सत्यता नहीं परखी जा सकती, सरकार इस पर ध्यान दे रही है, हम उसकी जांच करवा रहे हैं। प्रार्थना की अगर एक कर्मचारी को इस प्रकार के वर्णों से शब्द देने के बाद भी सरकार का कोई जिम्मेदार आदमी इसके बारे में एक शब्द कहने को तैयार नहीं कि यह व्यवहार क्या एक विधायक का उचित है। आप ये वीडियो सुनकर के आप ये सब बातें कह रहे हैं, अब उसकी सच्चाई क्या है क्या नहीं है इसकी तय में सरकार जाएगी, तभी जाकर के कुछ हो सकता है। वीडियो को कैसे मान लें कि सच, आप क्या मान सकते हैं? आप मान लेंगे नहीं वीडियो, वीडियो आपको फेवर कर रहा है। प्रदेश में फूटे ऑडियो बम के बाद जहां सदन में बीजेपी ने सरकार और विधायक राजेंद्र सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला, वहीं अब चित्तौड़गढ़ जिले से भी इसको लेकर प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। जिले के पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने इसे लेकर बयान जारी किया जिसमें उन्होंने विधायक राजेंद्र सिंह बिधोड़ी पर जमकर निशाना साधा, साथ ही कहा कि ये ऑडियो संगठन की रीति नीति पर सवाल खड़े करता है। अपने बयान में धाकड़ ने कहा कि इस मामले में वो विधायक राजेंद्र सिंह बिधोड़ी की मानसिकता की निंदा करते हैं, साथ ही उन्होंने मामले में कार्रवाई की मांग की। ऑडियो कल सामने आया और उसमें जिस प्रकार की जनप्रतिनिधि हम मर्यादित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाकई में शर्मनाक है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। और मेरे हिसाब से ये कांग्रेस पार्टी की मर्यादा यही होगी, और इनके मुख्यमंत्री जी ने बजट भाषण में कहा कि हमने बहुत सारी घोषणाएं की, हालांकि मेरे बेगू में तो देवनारायण छात्रावास बालिका वाली झूठी घोषणा की, ऐसे ही इनके विधायकों को भी इन्होंने ऐसे ही पाठ पढ़ा रखा है कि कभी डोटासरा जी किस तरह का बयान देते हैं, कभी हमारे विधायक मोदी किस तरह का बयान देते हैं। मैं ऐसे भाषण तो नहीं कह सकता उसको, लेकिन जिन्होंने फोन पर जिस तरह की भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ।